हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल फन विद इंग्लिश आई माय सेल्फ रमाकांत मिश्रा द टीचर ऑफ इंग्लिश प्रीवियस वीडियो में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ रहे थे जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करें तो ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ को रिलेटेड वीडियो है इसलिए आप जो बैक प्रीवियस का जो भी वीडियो है उसे अवश्य देख लें ताकि आपको अच्छी जानकारी हो सके और मैं आशा करता हूं कि आप अंग्रेजी की अच्छी जानकारी ले पाएंगे जब आप प्रीवियस वीडियोज़ को भी देख पाएंगे तो चलें अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जो रिस्ट हिस्सा बचा हुआ है एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन के डिफिनिशन्स तथा एग्जाम्पल्स के बारे में सीखेंगे लेट्स स्टार्ट नाउ लेट्स स्टार्ट द डिफिनिशन ऑफ एडवर्व लेकिन स्टूडेंट्स इसके पहले मैं एक बात बता देना चाह रहा हूँ कि ये वीडियो जो है से को रिलेटेड है इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और प्रीवियस वीडियो को लाइक करें और उसमें लिंक दिया हुआ है लिंक से जुड़ें तभी आप अच्छी तरह से समझ सकेंगे कि जितने भी वीडियोज बन रहे हैं को रिलेटेड वीडियोज बन रहे हैं तो अब हम चलें एडवर्व की परिभाषा सीखें द ऑफ ए वर्ड ए वर्ब एंड एजेक्टिव अ फ्रेज और अनदर एडवर्व इज कॉल्ड एज एन एडवर्व ऐसा शब्द मैंने कहा हूं कि हम लोग खेल खेल में सीखेंगे इंग्लिश यही मेरा मोटो है इस चैनल का तो ये वर्ड विच मोडिफाइज वैसा वर्ड जो मोडिफाई करे किसका तो ए वर्ब क्रिया का एन एजेक्टिव एजेक्टिव का विशेषण का अफ्रेज फ्रेज फ्रेज का और अनदर एडवर्ब या अन्य दूसरे एडवर्ब का उसे हम एडवर्ब कहते ये नहीं नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई या क्वालिफाई नहीं ये करता बल्कि ये एजेक्टिव वर्ब फ्रेज और अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करता है देखें एग्जांपल इसका राम रन्स फास्ट यहां रन वर्ब है राम इज सब्जेक्ट एंड रंस इज अवर एंड फर्स्ट फर्स्ट राम तेज दौड़ता है कैसे दौड़ता है तो तेज दौड़ता है उसका क्वालिफाई कर रहा है उसकी विशेषता बतला रहा है तो एक क्रिया की विशेषता हुई तो फर्स्ट इज एन एडवर्व वर्व की विशेषता बताया इसलिए एडवर्व नाउ करीम इज अ वेरी ऑनेस्ट मैन करीम एक बहुत ही ईमानदार आदमी है वेरी हियर क्वालिफाइंग ऑनेस्ट एजेक्टिव एजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है यहां ऑनेस्ट एजेक्टिव है और वेरी जो है क्वालिफाई कर रहा है दैट्स वाई वेरी इज एन एडवर्ब। नाउ ही स्पीक्स वेरी लाउडली अब हम देखेंगे पहला हम सीखे कि वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है दूसरे में देखे कि एजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है तथा अब तीसरे में देखेंगे कि यह एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है कैसे ही स्पीक्स वेरी लाउडली वह बोलता है वेरी लॉर्डली बहुत ऊंची आवाज ऊंची आवाज में बोलना ये तो एडवर्व है ही लॉर्डली लेकिन उसकी भी विशेषता ये बतला रहा है वेरी दैट्स वाई वेरी इज ऑल्सो एन एडवर्व जॉन वॉज सिटिंग क्लॉज विसाइड हर बिसाइड हर इज एन एडवर्बल फ्रेज एंड क्लॉज मोडिफाइज दिस एडवर्बल फ्रेज इस एडवर्बल फ्रेज को क्लॉज जो है से मोडिफाई कर रहा है क्या तो जॉन उसके बगल में बैठ रहा था उसके नजदीक बिसाइड हर बिसाइड हर यहां एडवर्वल फ्रेज है और उसकी विशेषता यहां क्लॉज बता रहा है करीब तो एक क्लॉज भी एडवर्ब है नाउ कुछ ऐसे भी सेंटेंस को एडवर्ब जो है पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई करता है संशोधित कर देता है उसे फाइव और सिक्स एग्जांपल्स हम देखेंगे सर्टेनली यू आर ऑनेस्ट निश्चित ही आप ईमानदार हैं तो यह सर्टेनली जो है एडवर्ब है और ये पूरे सेंटेंस को यू आर ऑनेस्ट जो है उसको पूरे तरह से संशोधित कर रहा है इसी तरह से अनफॉर्चुनेटली आई लोस्ट माई पेन आई लोस्ट माई पेन जो सेंटेंस है मैंने कलम खोदी यह जो है अनफॉर्चुनेटली उसका मोडिफिकेशन कर रहा है यानी मैंने अपनी कलम खोदी जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसको मोडिफाई कर रहा है तो अब हम लोग समझ गए होंगे कि एडवर्ब है क्या तो फिर से हम इस डिफिनेशन को पुनरावृत्ति कर लें। ले वर्ड विच मोडिफाइज अवर्ब एन एजेक्टिव अनदर एडवर्ब एंड एडवर्बल फ्रेज एंड सेंटेंसेस आल्सो सेंटेंस को भी मॉडिफाई करता है तो अब हम आगे पढ़ते हैं डिफिनिशन प्रीपोजिशन के बारे में तो चलें प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ें लेट्स स्टार्ट Preposition, preposition का मतलब होता है संबंध सूचक अव्यय इन हिंदी रिनो संबंध सूचक अव्यय तो preposition इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले रखा जाता है का अर्थ ही होता है पहले पोजीशन मींस स्थिति यानी नाउन और प्रोनाउन नाउन हो या प्रोनाउन हो उसके पहले रखा जाता है जो डिनोट्स द रिलेशन जो डिनोट्स करता है संबंध बतलाता है द पर्सन और थिंग किसी भी व्यक्ति या वस्तु के साथ रिफर्ड वाइट इसके द्वारा हम संबंध दर्शाते हैं संबंध सूचक अव्यय तो हम समझें इस जो दिए गए जो सेंटेंस हैं उनमें कौन प्रीपोजिशन है मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि सेंटेंस में जो वर्ड्स प्रयुक्त होंगे वही जो है से पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिस्सा होगा तो देखें देयर इज अ बुक ऑन द टेबल ऑन यहां है जो टेबल और बुक के साथ संबंध जोड़ रहा है बुक कहाँ है तो टेबल के ऊपर है तो ये ऑन प्रीपोजिशन हुआ नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूट द मैंगो बिटवीन सैफ एंड फैज आम को बांटे सैफ और फैज के बीच में बिटवीन जो है जब दो के बीच में जब हम प्रयोग करते हैं तो बिटवीन का प्रयोग होता है और दो से अधिक का जब बोध होता है तो हम इमंग का प्रयोग करते हैं प्रीपोजिशन का तो यहां फैज और सैफ के बीच में मैंगो बांटना है इसलिए यहां बिटवीन का प्रयोग हम किए दो के बीच में नाउ ए चाइल्ड फेल इन टू रिवर किस चीज में गिर गया बच्चा तो नदी में गिर गया तो यहां चाइल्ड और रिवर के बीच में संबंध बता रहा कहाँ गिरा तो नदी में बच्चा गिरा तो इनटू भी यहां प्रीपोजिशन है there are so many prepositions we shall use and we shall learn how to use and where we should use preposition deeply in the coming video Javham आगे पढ़ेंगे तो और प्रीपोजिशन के बारे में जान पाएंगे क्योंकि प्रीपोजिशन का यूज बहुत ही जरूरी होता है सावधानी हटी और दुर्घटना घटी इसमें ऐसी बात हो जाती है इसलिए प्रीपोजिशन का थोड़ा सा भी यदि हम इधर उधर कर देते हैं उसका यूज हम अच्छा से नहीं कर पाएंगे तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है इसलिए इसे बारीकी से समझने का हम प्रयास करेंगे लेकिन अभी हम इतना ही सीखेंगे अब हम डिफिनीशन की ओर बढ़ते हैं कंजंक्शन की ओर ठीक है तो अब हम सीखेंगे कंजंक्शन कंजंक्शन का डिफिनेशन एट फर्स्ट अ कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट ज्वाइंस वर्ड्स और सेंटेंसेस टुगेदर। कंजंक्शन जिसको संयोजक कहते हैं इसका अर्थ ही होता है जोड़ना का काम नहीं करता बल्कि जोड़ने का काम करता है तो किससे जोड़ता है तो दो वर्ड या दो से अधिक वर्ड या सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है बहुत ही यह उपयोगी होता है जब हम एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस को जोड़ पाते हैं तो यह एक अहम भूमिका अदा करता है तो हम देखें उसका प्रयोग उदाहरण में एग्जाम्पल है करीम इज ऑनेस्ट बट राहुल इज डिजॉनेस्ट यहां बट दो सेंटेंस को जोड़ रहा है करीम इज ऑनेस्ट एक सेंटेंस हो गया और राहुल इज डिजॉनेस्ट राहुल बेईमान है तो बट यहां क्या है कंजंक्शन है जोड़ने का काम कर रहा है आगे राजू एंड सोहन आर फ्रेंड्स दो वर्ड है राजू और सोहन ये कोई जरूरी नहीं है कि नाउन ही हो प्रोनाउन भी हो सकता है एंड से हम जोड़ सकते हैं या वर्व भी हो सकता है या एडवर्ब भी हो सकता है तो ये ज्वाइन का काम करता है मनोज इज जेंटल एंड ऑनेस्ट एंड देखेंगे जेंटल और ऑनेस्ट दो एजेक्टिव है वो दोनों का कंजंक्शन का काम एंड कर रहा है तो यहां एंड और इसमें भी एंड क्या हुआ कंजंक्शन हुआ आगे हम अगला सेंटेंस देखेंगे आई कुड नॉट गो टू कॉलेज बिकॉज आई वॉज इल बिकॉज यह जोड़ने का काम कर रहा है क्यों नहीं हम स्कूल गए आई कुड नॉट गो टू कॉलेज कॉलेज क्यों नहीं गए तो बिकॉज आई वॉज इल क्योंकि मैं बीमार था तो हम इसका इम्पोर्टेंस समझ गए बहुत अच्छी तरह आप जान गए होंगे लेकिन हम इसके बारे में विस्तृत जानकारी और आगे प्राप्त कर सकेंगे क्योंकि हमें कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो इतनी कम जानकारी से काम चलने वाला नहीं है इसकी गहराई में हमें जाना होगा तभी जो है से हम अच्छी तरह से सीख पाएंगे तो अब आगे हम बढ़ते हैं इंटरजेक्शन की ओर और इंटरजेक्शन के डिफिनेशन तथा उसके एग्जाम्पल्स के बारे में समझेंगे तो अब हम इंटरजेक्शन की डिफिनेशन जानेंगे एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रांग इमोशन इंटरजेक्शन उस शब्द को कहते हैं जो अस्ट्रॉन्ग इमोशन को दर्शाता हो वह किसी भी तरह का इमोशन हो सकता है इट मे भी ऑफ जॉय शौरो रिग्रेट पेन सरप्राइज हैप्पीनेस एक्सेट्रा या किसी भी तरह का हो सकता है खुशी का हो सकता है दुख का हो सकता है पश्चाताप का हो सकता है घृणा का हो सकता है कष्ट का हो सकता है आश्चर्य का हो सकता है किसी का भी हो सकता है तो हम देखें इस सेंटेंस में जो प्रयोग किया गया है इंटरजेक्शन को उन्हें आह

दस अल्लास इज ऑल्सो एन इंटरजेक्शन पुह छी छी इट इज अ वेरी डर्टी प्लेस यह बहुत ही गंदा जगह वो सो वंडरफुल प्लेस जुआ तो कितना सुंदर जगह है घुटने में चोट पहुंचा तो इस तरह से अ दीज वर्ड्स आर इंटरजेक्शन ये सभी इंटरजेक्शन हैं इंटरजेक्शन का जब हम प्रयोग करते हैं तो हम कॉमा का यूज करते हैं अन्यथा हम एक्सक्लामेशन मार्क का प्रयोग करते हैं मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन इस हमें ध्यान देना होगा और इसे अच्छी तरह से हम समझकर इनका प्रयोग करेंगे नहीं तो जहां दुख जाहिर करना है वहां यदि आप वैसे वर्ड का प्रयोग कर देंगे वैसे इंटरजेक्शन का प्रयोग कर देंगे जहां सुख का अनुभूति होन, होना नहीं चाहिए वहां यदि आप सुख का अनुभूति प्रकट कर देते हैं तो वह गलत हो जाएगा अतः सोच समझकर इंटरजेक्शन का प्रयोग हम करेंगे तो आज हम इस वीडियो में पूरे तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच हम सीख पाए लेकिन इसके डिटेल्स के बारे में हम कमिंग वीडियोज में वन बाई वन करके पढ़ेंगे एट फर्स्ट नाउन विल स्टार्ट इन द कमिंग वीडियो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे अवश्य जुड़े रहें वीडियो को लाइक करें और शेयर करें थैंक यू